Wish all the hashtags, likes, and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah. शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में, जो कि बहुत ही एक नया, मतलब आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, ऑल अबाउट जमीकंद, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे उसको ग्रो करना है और उसके टिप्स बताऊंगी मैं। तो जुड़े रहिए आप मेरी वीडियो में। मैं आपसे ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे हमने उसको ग्रो किया, उसे कितनी धूप की ज़रूरत थी, उसे पानी वाटरिंग की ज़रूरत थी कि नहीं, पानी की ज़रूरत थी कि नहीं, उसे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह से हमने एक नए तरीके से ग्रो किया है इसको, जो मैं आपसे शेयर करूंगी आज। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ही मतलब आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा देखने में, मतलब कि ऑल अबाउट ग्रोइंग जमीकंद। तो देख रहे हैं ये कितना हेल्दी प्लांट है, और इसे मैंने सिर्फ ऐसे ही बोरे में खुद से, मतलब इसको ग्रो बैग में लगाया है हमने, और कितना हेल्दी प्लांट है इसकी, देखिए बहुत ही प्यारा प्लांट है। फ्रेंड्स आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ ग्रोइंग प्रोसेस, और मेरे दिए हुए टिप्स एंड इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, और इस तरह आप भी जमीन पर का एक हेल्दी प्लांट ग्रो कीजिए। और वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि पहली बार मैं जो दिखा रही हूँ ये सब। तो गाइस देख रहे हैं कितनी अच्छी रूट्स आई है और किस तरह हमने ग्रो किया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत मज़ा मिलेगा देखने में, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमने एक जमीकंद लिया है जिसको दो भाग में काट दिया है, और ये एक्चुअली मैं हमने लाया था अचार के लिए ही, तो लेकिन मेरे दिमाग में आई ये बात कि इससे रहने देते हैं, ग्रो करेंगे। तो इसको मैं काट चुकी थी यूज़ करने के लिए, और इसको फिर हमने छोड़ दिया। और एक्चुअली मैं इसे ग्रो जो किया जाता है वो जून जुलाई अगस्त से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, लास्ट आप सितंबर में भी आप कर सकते हैं इसको ग्रो। तो इसे जब बड़ा बॉल लें इसका, तो इसको बीच से दो भाग कर दें, बीच से डिवाइड मतलब आप काट दें इसको। तो इस तरह आप देख रहे हैं पूरा रिज़ल्ट, आपको मैं आगे तक दिखाऊँगी। तो पिछली बार जो इसकी वीडियो हमने अपलोड की थी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसमें हमने इसके फ़ायदे के बारे में बहुत बताया है, तो आप ज़रूर देखिए। और उसको हमने इसके छोटे छोटे इसकी आती हैं मतलब साइड से, तो उससे ही ग्रो किया था हमने, उसमें भी आता है फल बनता है, लेकिन फ्रूट्स तैयार मतलब अंदर में जो तैयार होता है, लेकिन इस जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा बड़ा, जैसे आप काट के लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा बड़ा जमीकंद आएगा, और उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि आपके लिए पूरा मतलब ग्राउंड पे ही ज़मीन हो तो इसको आप ग्रो कर सकें। एक ग्रो बैग लीजिए और अच्छी सी बिल्कुल वेल ड्रेन पोरस मिट्टी रखें, ताकि पानी उसमें बिल्कुल नहीं ठहरे, क्योंकि ये पानी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका बॉल ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो इसके लिए आपको वेल ड्रेन मिट्टी लेनी है। तो इस तरह आप तैयार करके उसको आराम से आप लगा सकते हैं। और ये है, आप देख रहे हैं इस तरह की प्लेट लें, आप प्लेट लेकर उसमें कुछ पानी रखें, थोड़ा पानी रखें फ्यू, और क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा।
गल जाएंगे। तो इस तरह थोड़ा सा रखना है प्लेट में पानी, और दो भाग से जैसे हमने काट के रखा है आप रख दें। और बहुत ही खूबसूरत रूट्स आई हैं, और यहाँ तक कि इसमें लीव्स भी आने लगी हैं, लेकिन अब इसको ज़्यादा दिन रखेंगे तो हो सकता है ये ख़राब हो जाए, तो इसलिए अब इसका टाइम आ गया है कि इसको मिट्टी में लगा दें। तो आइए इसको कैसे लगाते हैं ये भी आप देख लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हो सकता है कुछ ऐसे हों जिनको लगाने का शौक़ होता है लेकिन वो नहीं लगा पाते हैं कि क्योंकि मेरे पास इतनी सारी मिट्टी नहीं है ज़मीन में, मैं कैसे मतलब लगा सकूं। तो ये ग्रो बैग में बहुत ईज़िली ग्रो होगा, बहुत अच्छा ग्रो होगा, क्योंकि मैंने पहले भी इसे ग्रो किया है और बहुत अच्छा ग्रो होता है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और मेरी पिछली वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने उसमें बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं। तो और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात ज़रूरी बतानी ये है कि प्लेट में जब हम वाटर में डालते हैं इसको, तो उस टाइम में हमको इस बात का ख्याल रखना है जब रखते हैं उस टाइम से लेकर लास्ट तक जब तक मैंने आपको दिखाया है, तो पानी आप 4-5 रोज़ में उसको चेंज करते रहें, पानी पुराना नहीं रहना चाहिए नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और आप यकीन माने कि हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, बिल्कुल सादा पानी, नल का पानी लिया है, और बराबर मैं आपको इस तरह का दिखाती रहती हूँ। ओके गाइस, आई एम डन विथ माई वर्क। Bye till next video.